टीम ने मिलकर फोड़ा है। Amazon Prime की टॉप 5 ऐसी वेब सीरीज बताता हूँ जो आपको लास्ट तक बांध कर रखेगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप एक ऐसी दुनिया में फंस जाओ जहाँ कोई भी मरने के बाद किसी वजह से जॉम्बी में बदल जाता है तो ऐसे में आप क्या करोगे? नंबर 5 पे थे फियर द वॉकिंग डेड। 6.8 रेटिंग के साथ ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जिसमें जॉम्बी अपोकलिप्स की वजह से दुनिया में ज्यादातर लोग जॉम्बी में बदल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं सब के बीच कैसे सरवाइव करते हैं, वही आपको देखना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता जिससे आप फ्यूचर में जा सकते तो आप फ्यूचर में जाके क्या करते? नंबर 4 पे आते दी पेरिफेरल जो आई थी 2022 में, जिसका रेटिंग 7.6 थी। सीरीज की कहानी में एक लड़की वीआर में गेम खेलती है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब गेम में किया गया कुछ भी रियल हो जाता है और दर्द का एहसास भी रियल होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब उस लड़की का क्या होगा वो आप सीरीज में देखो। क्या होता अगर मरने के बाद भी कहीं जिंदा होते? नंबर 3 पे थे अपलोड, जिसकी रेटिंग 7.9 की। सीरीज की कहानी में हम देखते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ टेक्नोलॉजी काफी आगे हो गई है, जहाँ कोई भी मरने से पहले खुद को अपलोड कर सकता है जिससे वो वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा रह सके। अगर आपको किसी तरह सुपर पावर मिल जाती तो क्या आप वो लेना चाहते? नंबर 2 पे थे जेन वी जो आज 2023 में, जिसके रेटिंग 7.9 की। सीरीज की कहानी में बच्चों को बचपन में कंपाउंड भी दे दिया जाता है जिससे उनके अंदर अलग अलग तरह की सुपर पावर आ जाती है। अब उन पावर से क्या होता है वो आप सीरीज में देखो। आप सभी के दिमाग में सुपर हीरो की एक अच्छी इमेज बनी होगी, लेकिन क्या हो अगर सुपर हीरो ही बुरे काम करने लगे? नंबर 1 पे थे दी बॉयज जो 2019 में, जिसके रेटिंग 8.2 की। सीरीज की कहानी में हम देखते हैं कुछ सुपर हीरोज को और कुछ इंसानों को जो इन सुपर हीरो को मारना चाहते हैं। आखिर वो क्यों, वो आप सीरीज में देखो। वैसे ये एक अच्छी सीरीज है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे आप करिए, लेकिन अपने फेवरेट मूवी नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।